वर्ल्ड रिकॉर्ड में आधिकारिक तौर पर मिस्र के पिरामिड डिजोसर स्टेप को दुनिया का सबसे पुराना पिरामिड कहा गया है। इसे 4653 साल पुराना माना गया जाता है। कर अक्टूबर में पब्लिश एक पेपर में दावा किया गया है कि दुनिया का सबसे पुराना पिरामिड इंडोनेशिया का अंग है, जो 27,000 साल पहले का है। रिपोर्ट के अनुसार बेस की एक लेयर तभी बनी थी। इसके साथ ही पेपर में इस बात पर भी आशंका जताई गई है कि क्या इसे वाकई इंसानों ने बनाया गया। इंडोनेशिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस के डैनी हिलमैन नदाविदा जाजा के नेतृत्व में रिसर्च की गई। इसे जनरल आर्कियोलॉजिकल प्रोस्पेक्ट के प्रकाशित किया गया। अब इसमें शिक्षाविदों ने लिखा है कि पिरामिड के मूल में विशाल एंडोसाइट लावा है और यह पिरामिड का सबसे पुराना निर्माण तत्व है। मूर्ति कला और फिर वास्तुकला के आने से पहले संभवतः इसकी उत्पत्ति प्राकृतिक लावा की पहाड़ी के रूप में हुई थी। इस दावे के उस धारणा को भी चुनौती मिलती है जिससे कहा जाता है कि मानव सभ्यता और निर्माण की उन्नत तकनीकों का विकास करीब 11,000 साल पहले कृषि के आगमन के साथ हुआ था। कार्डिफ यूनिवर्सिटी के फ्लिंट डिप्पल ने नेचर जनरल को इस बात का कोई स्पष्ट सबूत नहीं है कि दफन परतें मनुष्य ने ही बनाई। साउदर्न कनेक्टिविटी स्टेट यूनिवर्सिटी के पुरातत्व बिल फार्लो ने कहा है कि गुंगुन पेंडंग के 27,000 साल पुराने मिट्टी के नमूने लिए गए हैं। इनमें मानव गतिविधि के लक्षण जैसे कि लकड़ी का कोयला या हड्डी के टुकड़े नहीं मिले हैं। इस पिरामिड में रिसर्च प्रोग्राम के लिए दुनिया भर के रिसर्च को आमंत्रित किया जा रहा है।